नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं देसी टेक हिंदी। आपके सामने सुपर नेपियर घास, ये हमने एक बार काट ली गई है। ये हमने अक्टूबर 20 अक्टूबर को बुआई करी थी इसकी, और ये एक बार काट ली गई है। आपके सामने छोटे छोटे पौधे हैं ये, अब ये आपके सामने बड़े पौधे हैं। तो कितना ब्याज कर रहा है, हरे चारे के एक बार बोने के बाद आपको 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपना इसकी नलाई बुलाई करनी है और खाद पर ध्यान देना है। देख सकते हैं कितना ब्याज है इसमें। यह है सुपर नेपियर घास, इसमें 18% प्रोटीन होता है, जो कि SNF भी बढ़ती है और दूध की मात्रा भी बढ़ती है। मुझे 10 साल हो गए हैं इसे चारे को खिलाते हुए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। ये हमने भरे पे लगा रखी है, आप देख सकते हैं आपके सामने छोटे छोटे ये पौधे हैं। ये गन्ने की तरह बोया जाता है, जो आप देखो आपके सामने है छोटे छोटे पौधे, ये भरे पे लगाए हैं हमने। ये 3-4 दिन के कटे हुए हैं और ये फुटेर बहुत जल्दी करते हैं। तो आओ, अगर आप इसे खिलाएंगे तो आपको खल चोकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके छोटे छोटे, मुझे हमने एक एकड़ में बो रखा है हरा चारा आ रहा हूँ। हमने नेपियर भी, ये है सुपर नेपियर और नेपियर भी बोई थी, तो उसमें खाली नेपियर में उसमें दिक्कत आई। दिक्कत यही है उसमें जड़ावड़ा हो जाता था। आपके सामने है, ये हमने सरसों भी डाल दी थी इसमें। ये दूसरा खेत है हमारा, इसमें हमने सरसों डाल दी थी बुआई करके, एक बार कट गई है। यह देख सकते हैं कितने सा इसका सुपर नेपियर का जो पौधा होता है उसका पत्ता चौड़ा होता है और नेपियर का खाली पत्ता छोटा। ये है खाली नेपियर, इसमें ये दिक्कत आई थी। देखिए ये कुछ पौधे रख लिए थे हमने, इसका पत्ता छोटा है, इसकी वजह से इसमें जड़ावड़ा लग जाता है। जब ये बड़ा होता है 12-13 फीट का, इसमें जड़ावड़ा, तो ये हमने रिजेक्ट कर दिया 3-4 साल हो के। ये आपके सामने फिर से सुपर नेपियर ही है। इसे हमें यूज़ करते करते 8 से 10 साल हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं आई सुपर नेपियर में। ये गन्ने की तरह बोया जाता है, जैसे हम गन्ना बोते हैं उसी तरह बोया जाता है। मेरा मानो हमें आधा आधा फिट पर इसकी बुआई करनी चाहिए, क्योंकि जब ये बड़ा होता है तो इसमें 100 से 150 तक फुटेर करता है। इसे जगह चौड़ी के लिए फुटेर करेगा, तो इसे जगह जाना चाहिए। ये देखिए कितने सारे इसमें, ये 4 साल की हो गई है जो ये खेत है, दिखा रहा हूँ मैं आपको ये प्लॉट है। हाँ, ये 4 साल की हो गई है, इसमें हमने सरसों डाल दी थी बीच बीच में, बिल्कुल गन्ने की तरह ही बोया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।